ये देख लो भाई, ऐसे हाल होते हैं गाड़ियों के। कहीं मोड़ पे वो होगी टक्कर किसी के साथ में। सो गाइस, ये जो लेक है ये सतलुज रिवर पे बनी हुई है। सामान को जल्दी से लेके चलते हैं ऊपर, और टाइम 11 बज गए हैं। बाइक पे बांध दिया सामान और मैंने अभी किया ब्रेकफास्ट ऑर्डर। ब्रेकफास्ट करूँगा फिर निकलूँगा मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और तारा देवी के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। सो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग, और अभी मैं करूँगा ब्रेकफास्ट और फिर निकलूँगा पालकपुर के लिए। ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, और कॉफी साथ में, जल्दी से कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। मैं कर लेता हूँ चेन लूप और इसको कर देता हूँ कोल्ड स्टार्ट, फिर चलते हैं। इसमें ना सेंट्रल स्टैंड नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। हाँ जी, कितने हो गए थे मेरे टोटल? रात का तो क्लियर है। हाँ, कमरे का दिया था मैंने। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं दिया। कब कमरे का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर 418 भी। मैं तो जा रहा हूँ पालमपुर, बट बिलासपुर में एक जगह है जहाँ पे अगर टाइम रहेगा तो, वैसे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, और टाइम रहेगा तो उस जगह को पक्का मैं जाऊँगा। तो उसी का ही मैंने मैप लगा रखा है, नहीं तो फिर बिलासपुर से सीधा आगे निकल जाऊँगा। ओहो, कवर लगा लेता तो बेटर था, लाइट के जरूरत नहीं है अभी, पुलिस पकड़ लेगी नहीं तो रास्ते में। तो मैं निकल चुका हूँ और 2.5 घंटे में बिलासपुर पहुँच जाऊँगा, अगर टाइम से पहुँच गया मैं तो। वहाँ पे एक लेक है, गोविंद सागर झील, तो मैं उसको एक बार देख लूँगा, घूम लूँगा जाके, नहीं तो फिर मैं सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा पालमपुर के लिए। कहाँ जा रहा है बाबा, बड़ी जल्दी है क्या? ऐसे चलते हैं लोग अंधाधुंध। यार तुम ओवरटेक कर सकते हो, पर जब सामने से कोई आ रहा है फिर ओवरटेक कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। बाइक बड़ी स्मूथ चल रही है चेन लूप करने के बाद में ना, कल मैंने उसको वॉश भी करवा लिया। 4 दिनों से मैं घूम रहा हूँ, 3-4 दिनों से, तो कहीं डस्ट है कहीं कीचड़ है, तो करवा लिया, सही हो गया। खड़ खड़ करने लगती, आवाज़ करने लगती, नहीं तो। देख लो भाई, ऐसे मिलेगा रास्ता, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। देखो भाई, ये देखो आप, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, शीशे में दिख रहा है ना ये गाड़ी का क्या हाल हो रखा है इधर। ये देख लो भाई, ऐसे हाल होते हैं गाड़ियों के। कहीं मोड़ पे वो होगी टक्कर किसी के साथ में। चलो धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ब्रिज सुंदर सुंदर ब्रिज, अच्छा वो ब्रिज टूट गया होगा ना, पर साथ में टेम्परेरीली बना रखा है। ओके हाँ, ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, अब दिखाते हैं आपको कि ब्रिज बार टूट गया था। हाँ, ये ब्रिज पूरा टूट गया था, ये जो नीचे जो काम चल रहा है ना, डंगा होगा, ब्रिज नहीं था इधर पे, डंगा था, डंगा ही बह गया, पर अभी नया डंगा बन रहा है, नीचे लगा रहे हैं और नीचे काम चल रहा है। मनाली 238 किलोमीटर है, पार्वती धाम 255 किलोमीटर, कुल्लू 215, और सैंज वैली जहाँ मैं गया था 202 किलोमीटर है। अभी चल रही है कंपटीशन, बस से ओवरटेक करना मुश्किल है। मोड़ है ना शायद इधर, देखो गाड़ी वाला कर रहा है ट्राई अल्टो वाला, बट कैसे करेंगे, आगे मोड़ है, लाइन क्लियर नहीं है कि आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी एकदम से। अभी शायद कर जाए बिकॉज, ओके अभी कर जाएगा, आगे तक क्लियर है ना। ये क्या क्या क्या, नो नो, बस वाला नहीं मान रहा है,
पर मैं भी करूँ नो, गाड़ी आ गई ना वैसे, गाड़ी वाला बड़ी देर से पीछे पड़ा था कि मिल जाए पास, मेरे को भी चाहिए भाई पास। गाड़ी वाले को जाने दिया और मेरे को छोड़ दिया, अब मैं जाऊंगा आगे। हाँ जी भाई, अच्छा लग रही है आपको, कम लग रही है ना? देख मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है, मैं आगे जाके कहीं पेट्रोल पंप पे चेक करवाता हूँ। पालमपुर जा रहा हूँ भाई, पालमपुर। हाँ जी भाई, चलो थैंक यू भाई, ओके भाई। हाँ ये है, बहुत ही बड़ा एम्स है, इधर बना हुआ है, तो ये सेंटर में बना हुआ है मेरे ख्याल से, बिलासपुर ही सेंटर जगह होगी इसलिए यहाँ पे बनाया है। चलो आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये है एम्स है, जो कि कोटीपुरा में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के। यही सेंटर है जहाँ इन्होंने बनाया रखा, बहुत बड़ा है। और ये लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। गाइस हवा भरा ली है और टायर भैया ने चेक कर लिया, उसमें बोले कहीं पंक्चर तो दिखा नहीं, उनको सस्पेक्टेड था कि हाँ हो सकता है तभी हवा कम हो रही है बार बार। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है ना तो ये ट्यूबलेस टायर्स की हवा कम हो जाती है। तो मैं शिमला में था, कुफरी में, ऊपर शिमला में से आज आ रहा हूँ तारा देवी से, तो वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हवा कम हो गई होगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोविंद सागर झील, और बोला है कि आगे 5 किलोमीटर है और वहीं से मैं निकल जाऊँगा सीधा। ओके, कहीं बोर्ड तो लगा देने चाहिए इनको, इतना भी क्या बेकदरी इस झील की। सो गाइस ये है गोविंद सागर झील, पानी का लेवल अभी कम लग रहा है मुझे, बिकॉज वो मिट्टी मिट्टी दिख रही है ना, पूरी गाद दिख रही है और बोटिंग भी हो रही है उधर। चलते हैं आगे। सो गाइस ये जो लेक है ये सतलुज रिवर पे बनी हुई है और ये गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में बनाई गई थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ये झील जो है ना 56 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो गाइस चलते हैं वापस, अभी झील तो देख ली, बोटिंग करनी नहीं है, तो चलते हैं अभी सीधा, निकलूंगा घर के लिए। टाइम हो रखा है 3:15, अभी देखते हैं कितना और टाइम लगता है। ठीक है, देखने के लिए अच्छी है, अभी पानी का लेवल कम है इधर, तो पूरी वो मिट्टी दिख रही है जो पानी के अंदर गाद जो होती। ये खड़ी है भैया अपनी बाइक,
मैं पहुंच गया हूँ सुजानपुर और यहाँ से लगेंगे मुझे 45 मिनट और घर पहुंचने में। बसेस आ रही हैं। हाँ रुको रुको रुको, साइड में रुकता हूँ। रुक जा मेरी रानी, आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो। हाँ कहाँ जा रहे हैं? लोडिंग आना चल रहे हो? देखते हैं क्या नाम है मेरा, देखते हैं। सब्सक्राइब किया है तो आप देखते हैं सभी। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी लगती है वीडियोस। तो अभी कल लोडी है ना? अच्छा कल हिरण है ना। चलो ठीक है, अभी कहाँ तक जाएंगे आप? एक अच्छा 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 चल ठीक है भाई, ओके चलता हूँ मैं, बाय बाय भाई। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सभी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।